तूफान एक ऐसा नाम जिसके बारे में सुनते ही हम हवाओं और बारिश के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन टॉर्नेडो हवा का एक हिंसक रूप में घूमने वाला स्तंभ होता है। यह टॉर्नेडो जो कि जमीन के संपर्क में आते हैं और एक क्लाउड से लटकते हुए दिखाई देते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा। वैसे तो दुनिया के कई सारे कोनों में टॉर्नेडो बनते ही रहते हैं, इनमें से हमारा इंडिया और कई देश शामिल है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा टॉर्नेडो कहाँ आते हैं की बात की जाए तो अमेरिका में सबसे ज्यादा टॉर्नेडो आते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड में भी कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही ये टॉर्नेडोज आते हैं। लेकिन अब तक का सबसे खतरनाक टॉर्नेडो अमेरिका में 1925 को दक्षिणी मिसौरी में आया। इसमें 2027 लोग जख्मी हो गए और 695 लोगों की जान चली गई। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा टॉर्नेडो किस कंट्री में आते हैं तो अमेरिका का नाम सबसे पहले आता है। अमेरिका में हर साल 1000 टॉर्नेडो को देखा जाता है, जिनमें से केवल 100 टॉर्नेडो ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बवंडर जो कि तेज़ी से घूमने वाली हवा के फनल होते हैं, यह हवाएं 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बह सकती हैं। यह टॉर्नेडो 1 मील तक चौड़ा हो सकता है और 50 मील तक रास्ता साफ कर सकता है। इसको ट्विस्टर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ही प्रकार के तूफान के अलग अलग नाम हैं और अक्सर इसमें ओले भी शामिल होते हैं, जिसमें कि विशाल और लगातार बहने वाली आंधी जिसे सुपरसेल भी कहा जाता है। सुपरसेल जो कि बहुत ही विशालकारी तूफान होते हैं, उनसे विशालकाय भवंडर पैदा होते हैं। एक भवंडर हवा का एक घूमने वाला स्तंभ होता है जो आकाश से लेकर जमीन तक फैला होता है। यह तूफान अक्सर गहरे काले रंग के दिखाई देते हैं। जब यह तूफान इकट्ठे होते हैं तब एक फनल से अचानक नीचे आते, जैसे कि ये बादल से उतर रहा हो। जब फनल जमीन से टकराता है तो एक आवाज़ से आगे बढ़ता है। डस्ट डेविल जो कि उन इलाकों में दिखते हैं जो ज़्यादातर रेतीले इलाके होते हैं, इंडिया के कई इलाकों में इन्हें बनते देखा गया है। इसके साथ ही यह टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका के टेक्सास जैसे इलाकों में दिखाई देते हैं। यह टॉर्नेडो तब चलते हैं जब गर्म हवाएँ चलती हैं। अक्सर इन टॉर्नेडो को ज़्यादातर गर्म इलाकों में देखा जाता है। डस्ट डेविल जो कि काफ़ी छोटे और कमज़ोर टॉर्नेडोज होते हैं, ज़्यादातर ये टॉर्नेडोज खतरनाक नहीं होते। इनमें से कुछ टॉर्नेडो 3 फीट तक चौड़े हो सकते हैं और इनमें 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं बहती है। लेकिन इनमें से कुछ रेत के तूफान जो काफ़ी ताकतवर होते हैं। पहले पहल इन तूफानों का आकार काफ़ी छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ इनका आकार बढ़ता जाता है। यह 10 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक अपना आकार बढ़ा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यह टॉर्नेडो ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, लेकिन कई बार यह लोगों को और उनकी संपत्ति के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर इनको टॉर्नेडो के कंपेयर में देखा जाए तो ये एक कुदरती घटनाएं हैं जिससे हवा नीचे से ऊपर की ओर बहती है और घूमती हुई भवंडर का रूप लेती है। ज़्यादातर जो बड़े भवंडर होते हैं वो एक से ज़्यादा भवंडरों से मिलकर बने होते हैं। मेसोसाइक्लोन तूफान को घूमने वाले एक एरिया को कहते हैं जिसका डायमीटर 3 से 9 किलोमीटर तक हो सकता है। ज़्यादातर भवंडर दोपहर के समय बनते हैं क्योंकि इस समय सूरज के कारण हमारे वातावरण की हवा गर्म हो जाती है। इसके अलावा पानी के ऊपर बनने वाले टॉर्नेडोस को वाटर पॉट्स कहा जाता है। यह टॉर्नेडो जमीन पर आने वाले टॉर्नेडो से कुछ अलग होते हैं। यह टॉर्नेडो तब बनते हैं जब तेज हवाएँ चलती हैं। यह हवाएं अपने वर्टिकल एक्सिस पर घूमती है जिस कारण इनमें एक दबाव बनना शुरू हो जाता है और इस कारण से यह हवाएं ऊपर और नीचे बहती हैं और वर्टिकल एक्सिस पर घूमने के कारण यह टॉर्नेडो का रूप ले लेती है। अगर बात की जाए कि यह वाटर पॉट्स कितने बड़े हो सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह 165 फीट तक चौड़े हो सकते हैं और इनमें हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। अगर हम बड़े वाटर पॉट्स की बात करें तो इनका डायमीटर 330 फीट तक का हो सकता है, जिसमें हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति आवर तक हो सकती है। लेकिन इंसान के कुदरत के साथ छेड़छाड़ के कारण पृथ्वी का एनवायरनमेंट बदल रहा है, जिस कारण हमें धीरे धीरे ऐसे और टॉर्नेडो आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इन आपदाओं को रोकना चाहते हैं तो हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ और फिर से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना होगा, ताकि आने वाले समय में हम इन कुदरती आपदाओं को कम कर सकें। अगर मेरे द्वारा आपको दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को
जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा।